जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर कुमार विश्वास ने तंज कसा है। कुमार विश्वास ने कहा कि आपके इस निर्णय का हम हृदय से स्वागत करते हैं बुआ, आप बस अंतिम सांस तक अपने इस निर्णय पर टिकी रहना। बता दें, बेंगलुरु में रविवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, मैं तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक 370 फिर से बहाल ना हो जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। महबूबा ने आगे कहा था कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण था, लेकिन अनुच्छेद 370 को खत्म करके राज्य का विभाजन किया गया और उसे अक्षम बनाया गया। महबूबा ने कहा कि चीन अब जम्मू कश्मीर के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि पहले केवल पाकिस्तान ऐसा करता था। ये बीजेपी के अनुच्छेद 370 को निरस्त्र करने का परिणाम है। बता दें, महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर डॉक्टर कुमार विश्वास ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया। कुमार विश्वास ने लिखा, आपके इस निर्णय का हम हृदय से स्वागत करते हैं बुआ, आप बस अंतिम सांस तक अपने इस निर्णय पर टिके रहना। अपने बच्चों से भी ये कहकर जाना कि आपके इस निर्णय को आगे लेकर जाएं। वहीं कश्मीर की खुशहाली के लिए आपको और आपके जैसे दोनों परिवारों को अब जीवन भर भूतपूर्व बने रहने का अभूतपूर्व बलिदान कश्मीरवासी सदैव याद रखेंगे। बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में महबूबा मुफ्ती शनिवार को यहां पहुंची थी। रविवार को मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो सभी के लिए एक खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई विपक्ष हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली सरकार को शक्तिहीन कर दिया गया है, ये सभी के साथ होने जा रहा है। बता दें, पीडीपी प्रमुख ने कहा कि कर्नाटक ने भी पिछले 5 साल नफरत और सांप्रदायिक राजनीति को सहन किया है। इन सब को झेलने के बाद राज्य के लोगों ने लोकतंत्र को फिर से मौका दिया है। महबूबा ने कहा, जब सभी ने हार मान ली थी तब कर्नाटक ने पूरे देश को उम्मीद की रोशनी दी थी।